बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक शेरवानी कॉलर का बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, जो बनाकर हमने रेडी कर लिया है, मगर इसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप सबको सिखाऊँगी कि हम इस GPO लेस के साथ इस डिज़ाइन को किस तरह कम्प्लीट करेंगे। मैंने इसके ऊपर लगाया है फ्लैट कॉलर, इसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और ये है खद्दड़ का ड्रेस, यानी कि विंटर का ड्रेस, उसको हम हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग किस तरह देंगे इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत इजी करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बनने के बाद आपके सामने है इसकी लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस डिज़ाइन को किस तरह कम्प्लीट करेंगे। आप सबने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। बहुत आसान करके ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। मैंने इसमें शेरवानी कॉलर लगाया है, आप चाहें तो इसको गोल गला भी कर सकते हैं या बेगला भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस डिज़ाइन को। तो ये है वो लेस जो हमारे डिज़ाइन में यूज़ होगी, और ये लेस है ट्राइंगल वाली, यानी कि कटवर वाली। आप कोई भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस शेप की होनी चाहिए जो थोड़ा सा कटवर स्टाइल में होती है। तो इसे हम साइड करेंगे। और ये है हमारी शर्ट जो कि विंटर का ड्रेस है, ये खद्दड़ में है, और इसके ऊपर हम शेरवानी कॉलर बना रहे हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि रोज़ हम शेरवानी कॉलर बनाते हैं इसलिए, तो जो हमारे विंटर के ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर शेरवानी कॉलर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इस गले को खुला भी बना सकते हैं। हम बनाएंगे शेरवानी कॉलर, तो मुझे चाहिए होगा एक बुकरम का पीस, और ये जो गला है ये पीछे से प्रिंट में इसी तरह है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर ये वाला स्टाइल कर रहे हैं। तो मैंने लिया है एक बुकरम का पीस, मेरे पास बुकरम कम हो गया था तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया है। अगर आपके पास लंबा बुकरम हो तो बहुत अच्छी बात है। इसकी लंबाई है 19 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। हमें ऊपर से ज़्यादा चौड़ा चाहिए, नीचे तो हमारी स्लिट बनेगी इसीलिए कम है। इस बुकरम को इस तरह मैंने डबल तह में किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम शर्ट रखेंगे, सेम उसी तरह शर्ट को आधोआध करेंगे, यानी कि जो इसकी क्रिस लाइन है उसको बुकरम की क्रिस लाइन से मिलाएंगे। और ऊपर से हम इसका हाला कट करेंगे, यानी कि शेरवानी कॉलर के लिए गोल गला कट करेंगे। तो ऊपर से मैं रखूंगी 6.5 इंच और इसको नीचे से हम रखेंगे 3.5 इंच। इस 3.5 इंच को इस 6.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब इस पीस को हम संभाल कर रखेंगे और जितना हमारे गले का प्रिंट आ रहा है उसके मुताबिक हम निशान लगाएंगे। अब इस शर्ट को हम साइड कर देंगे और देखेंगे कि हमारा निशान कितने इंच पे आ रहा है। तो ये निशान आ रहा है 18 इंच पर। अब हम इस बुकरम को नीट करेंगे, एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। किसी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका दूंगी, उससे पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे चौक की मदद से। अब अपने शर्ट को हम खोलेंगे। और इस सेंटर को इस गले के सेंटर से मिलाएंगे जो मैंने चॉकिंग की थी, और एक रफ सिलाई लगाएंगे।
अब अपनी शर्ट को पलटेंगे और जहाँ पर ये बॉर्डर आ रहा था वहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इसे करूँगी तुरपाई, क्योंकि मैंने इसे प्रेस कर लिया है और आप सबने देखा कितने अच्छे तरीके से मैंने इसके बॉर्डर को निकाला है। जो बीच का सिंपल कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया है, हमें सिर्फ ये बॉर्डर चाहिए था। अब इसके बीच में अपना डिज़ाइन फिल करेंगे, उससे पहले हम इसको तुरपाई करेंगे। तो मैंने गला तुरपाई कर लिया है, अब हम निशान लगाएंगे कि हमें कितने इंच का गला बंद करना है, कितने इंच पर अपनी सिल्ट उतारनी है। मैं निशान लगाऊँगी 7.5 इंच पर। और हम देखेंगे कि हमारी जो स्लिट है वो कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 11.5 इंच पर। तो अब हम इसे करेंगे साइड और अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए मैंने लिया है एक फैब्रिक पट्टी। लंबाई है 26 इंच। इस पट्टी को मैंने बीच से कट नहीं किया, मैंने हाफ पट्टी के ऊपर जीरो का बुकरम चिपकाया है। अगर आपके पास जीरो का बुकरम नहीं है तो आप रेगुलर बुकरम भी चिपका सकते हैं। और ये 12.5 इंच पे मैंने जीरो का बुकरम चिपकाया है। अब इस पट्टी को इस तरह हम पलट देंगे तो ये जो हमारा बुकरम का साइड है ये भी छुप जाएगा और हमारी पट्टी भी नीचे की साइड आ जाएगी और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसके सिरों को कवर कर दूंगी। तो मैंने इस पट्टी की चारों तरफ सिलाई लगा दी है, इसके जो सिरे हैं उसे मैंने बंद कर दिया है और दोनों साइडों से फैब्रिक पट्टी आ गई है। जो हमारा बुकरम था वो इसके बीच में छुप गया है। अब हमें करना कुछ इस तरह है, हमने लगानी है फैब्रिक ग्लू। ये फैब्रिक ग्लू कपड़े पे बहुत अच्छा वर्क करती है, ये आपको जहाँ सिलाई का सामान मिलता है उनसे बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। और इस ट्राइंगल वाली लेस को मैंने एक साइड से बहुत ही सफाई के साथ कट कर दिया है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह कट किया तो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। आपने इसको इस तरह कट करना है, ये देखिए, ये मैंने आपको कट करना भी बता दिया, इस तरह हमने कट किया है। अब इस लेस को इसके ऊपर हम रखेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसे सेट कर देंगे। अब फिर हम इस लेस के ऊपर इस फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये फैब्रिक ग्लू बहुत ही अच्छे से रिमूव भी हो जाती है। बस जहाँ इसको चिपकना होगा चिपकेगी, बाकी आपका जो कपड़ा है वो डैमेज नहीं होगा। ये है ही फैब्रिक ग्लू, यानी कि कपड़े में इस्तेमाल की जाती है। अब जहाँ हमने निशान लगाया था इस तरह, इससे हम इसको इस तरह लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। वैसे मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से अच्छा खासा कवर कर लिया है। जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग नहीं संभाल सकते, आप सब ने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है, उससे ये तकरीबन 80% हमारा गला डन हो जाता है। ये देखें, सिर्फ 20% सिलाई लगा के इसे कवर करना होता है। तो साथ साथ जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, इसीलिए मैंने आपको फैब्रिक ग्लू बताया है। वरना मैं तो इसे यूं ही सिलाई भी लगा सकती थी। तो मैं इसे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्लैट कॉलर लगाएंगे। तो सिलाई लगाना हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और ये साइड सिंपल रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी फ्लैट कॉलर। इस वीडियो में मैं फ्लैट कॉलर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको फ्लैट कॉलर बहुत ही डिटेल के साथ लगाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग फिर भी सीखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको फ्लैट कॉलर लगाना बता दूंगी। अगर आप लोग इस पर बेगला करना चाहते हैं तो बेगला कर दें, सेम डिज़ाइन यही बनकर रेडी होगा। मगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी फ्लैट कॉलर, जो कि आप सीख चुके हैं मेरी हर वीडियो में जो फ्लैट कॉलर वाली होती है मैं उसमें सिखा चुकी हूँ। तो मैं इसका कॉलर लगा के उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि न्यू फ्लैट कॉलर, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगी फ्लैट कॉलर की, शेरवानी कॉलर की, उस पर आप लोग सीख सकते हैं। मगर इसमें मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आपको कॉलर लगा के उसके बाद इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मैंने इसके ऊपर शेरवानी कॉलर लगा दिया है। वैसे तो हमारा गला हो गया है डन, इसकी जो लुक है कंप्लीट हो गई है। मगर इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए और इसके सिरों को मजबूत करने के लिए इसमें हम एक छोटे छोटे से पल मोती लगाएंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो सेम डिज़ाइन बनाना है तो इसे इस तरह छोटे छोटे पल मोती लगा दें। मैं इसके नोकों के ऊपर एक एक पल मोती लगाऊंगी, इससे ये मज़ीद खूबसूरत भी हो जाएगा और ये जिसकी इस तरह की कटवर उठ रहे हैं ये भी बैठ जाएंगे। अगर आप इसकी कटवर को बिठाना चाहते हैं यानी कि मजबूत करना चाहते हैं और पल मोती भी नहीं लगाना चाहते तो सुई लेकर एक हल्का हल्का सा टाका इसके ऊपर लगा दें तो ये बिल्कुल इस तरह चिपक सा जाएगा। तो मैं एक पल मोती लगा के आपको दिखाती हूँ, जब सारे कंप्लीट करूँगी उसके बाद आपको दिखाऊँगी। इस तरह अपनी सुई नीचे से निकालेंगे और ये सुई के अंदर मैंने पल मोती डाला है और इस ये जो ट्रायंगल है यानी कि कटवर है इसके अंदर से इस तरह निकालेंगे सुई को। तो ये मजबूत हो गया। अब अपने धागे को हम कट नहीं करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे कटवर पे निकालेंगे यानी कि दूसरे ट्रायंगल पे। इस सारे जब हम पल मोती लगाएंगे इसमें अपने धागे को कट नहीं करेंगे, अगर हम अपना धागा कट करेंगे तो ये हमारे पल मोती निकल जाएंगे। तो सेम उसी तरह इस दूसरे पर भी लगा देंगे। तो मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे पल्स लगा लिए हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं और आपके सामने है अब इसकी फाइनल लुक। कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, एक लेस के साथ हमने कितना स्टाइलिश डिज़ाइन बना के रेडी किया है। फ्लैट कॉलर भी लग गया है। तो आप सबने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज का ये छोटा सा डिज़ाइन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने इसे लाइक करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिज़ाइन एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है, मेरा सेकंड चैनल है जिसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग की आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने किए हुए डिज़ाइन आप लोगों को बताती हूँ कि हमने किस सूट में क्या डिज़ाइनिंग की है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होती हैं उसमें आप सबके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिज़ाइन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।